एंड देन एंड प्रॉपर्टी वाइल्ड कस्टम ड्रेन एंड थ्रू डॉरीज बेटा तो जायदाद का वारिस बनेगा और उल्टा बेटियाँ जो हैं वो लाने की बजाय जहेज लेके जाएंगी ये सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं है बहुत से ऐसे ममालिक हैं लेकिन वह सारे लो इनकम ममालिक और वही बात है जुड़ी हुई है ना चीज़ें लो इनकम ममालिक हैं वहाँ तालीम भी कम है तो तालीम कम है इसलिए हम ऐसा समझते हैं sons continue the family line and often take responsibility for the care of parents टेक illness and old age while daughters are married away to another household. अगला ख्याल सन प्रेफरेंस के सिलसिले में ये है कि भाई जब वालदे बूढ़े हो जाएंगे तो बेटे उनकी खिदमत करेंगे और वो बेटियों का क्या है जी वो तो अगले घरों को चली जाएंगी तो वो तो ये नहीं कर सकती फिर ये कि बेटे ताकतवर होते हैं फिर अगली बात ये है कि किसी लड़के का पैदा होना बाप की मर्दानगी समझा जाता है फिर हम ये भी देखते हैं कि इस सारी सूरत हाल में अब जो वालदे हैं वो लड़कों की पढ़ाई पे भी और उन हर तरह से उनकी न्यूट्रिशन पे भी और उनकी सोशल इमोशनल डेवलपमेंट पे भी बेटियों की नस्बत ज्यादा खर्च करते हैं और फिर यह कि इन सम कम्युनिटीज़ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड सन प्रेफरेंस इम्पैक्ट्स ऑन यंगल्स राइट्स टू सरवाइवल न्यूट्रिशन एंड द हाइस्ट अटैनेबल स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ तो बच्चियों को जब न्यूट्रीशन भी ठीक नहीं मिलेगी उनको मॉरल और सोशल इमोशनल सपोर्ट भी नहीं मिलेगी और उनको उन पर पैसा भी कम खर्च किया जाएगा तो वो अगर कमज़ोर थी तो अब कमज़ोर तार और कमज़ोर तरीन बन जाएंगे जो उनकी सलाहियतें आगे आनी थी जो पोटेंशियल्स थे उनके अंदर वो अब दब जाएंगे अब वो एक अच्छा करियर भी नहीं पा सकती एक अच्छी आ, तालीम भी हासिल नहीं कर सकती और एक सेहतमंद माँ भी नहीं बन सकती सेहतमंद इंसान भी नहीं बन सकती तो एक जो स्टीरियो टिपिकल थाट है जो बुनियादी तौर पे है ही गलत क्योंकि अल्लाह सुबहाना माले ने मर्दों और और औरतों को अलग अलग हैसियतों में पैदा किया अलग अलग फ़राज़ के साथ पैदा किया अलग अलग दायरों में पैदा किया हर किसी के अपने अमाल हैं अपने अफ़ाल हैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ हैं और तो और अपने फाइनेंशियल मैटर्स हैं तो बजाय इसके कि ये दोनों चीज़ें कम्पेरेबल हैं ही नहीं उनको हम कंपेयर करने की कोशिश करते हैं और फिर वो फैक्टर्स जो स्टीरियोटिपिकली कुछ कॉमों में जैसे इंडिया में ये सोच बहुत ज़्यादा है वहाँ से आ, पूरे बरसगीर में ये फैली और सन प्रेफरेंस का जो मैटर है फिर ये अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी ऐसा है वहाँ पे भी जो वालिद हैं वो पंद्रह साल तक बच्चियों के ख्याल नहीं रखते पंद्रह साल बाद उनका ख़्याल होता है कि अब हमारी जिम्मेदारी है कि इसकी कहीं कही ना कहीं शादी कर दें तो ये जो सूरत हाल है ये बच्चियों की सलाहियतों को ख़त्म करने में बहुत असर करती हैं देन इज़ सेक्स सेलेक्टिव एबॉशन इज़ इनक्रीज तो जब आप बेटा ही नहीं चाहते तो या तो पैदाइश से भी पहले बच्चियों को अबार्ड करा दिया जाएगा अगर आपको पता चल गया है और इंडिया में इस तरह से बहुत हो रहा है दूसरे कई ममालिक में होता है और भी ममालिक तो अब सूरत हाल ये है कि ये जो सिलेक्शन है एक तो ये एजुकेशन के बेसिस पे इसको रिड्यूस किया जा सकता है अवेयरनेस के बेसिस पे रिड्यूस किया जा सकता है फिर आजकल के जो हालात हैं जहां हम देख रहे हैं कि बच्चियां भी अगर फुल पोटेंशियल के साथ पाली जाती हैं तो वो बड़े अच्छे और बेहतरीन करियर जो हैं वो ऑप्ट कर रही हैं फिर ये है कि अगर प्रैक्टिकली आप देखें तो बेटियाँ जो हैं वो वालदे की बेटों के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर ख़िदत करती हैं ख्वा वो आ, किसी दूसरे घर भी चली जाएँ और लड़के अमूमन मुख्तलिफ जॉब की वजह से मुख्तलिफ़ इलाकों में या मुख्तफ मुल्कों में माइग्रेट करते हैं और शायद वापस भी नहीं आते तो इसको इस अवेयरनेस को पॉजिटिवली अगर लोगों के अंदर फैलाया जाए एजुकेशन के थ्रू क्योंकि ये हमारा एजुकेशनस्ट का फ़र्क है ना का फर्ज़ है कि वो शुरू दिन से इस सोच को पेरेंट्स के अंदर भी कम्युनिटी के अंदर भी और ख़ुद बच्चों के अंदर भी पैदा करें कि वो कोई डिस्टिंगशन का शिकार नहीं है बल्कि दर हकीकत अल्लाह ने उनको बराबर भी और मख्तलफ़ कामों के लिए और मख्तलि सूरत हाल पोटेंशल्स के साथ पैदा किया है